हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सनी ड्राइव जोन में और मेरा नाम है सनी। तो भाई आप पीछे देख पा रहे होंगे गेट है, ठीक है। इस गेट में से हम बाहर निकालेंगे गाड़ी को। अब मेरे पास क्वेरी तो आ रही थी लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। देखो सबसे पहले रिवर्स गेट डालना है आपको, ठीक है। हैंड ब्रेक रिलीज करना है, रिवर्स गेट हमने डाल दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे सारा का सारा रोल क्लच और आपकी जजमेंट का होगा। अगर आपकी गाड़ी में बैक कैमरा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको IRVM का यूज़ करना है, ORVM का। ORVM सेट कर दिए, दोनों तरफ सही दिख रहा है बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे कोशिश करो कि सिर्फ क्लच से गाड़ी को कंट्रोल करो और ब्रेक पे पैर रखना है, ब्रेक दबाना नहीं है। अब देखो धीरे धीरे गाड़ी पीछे जा रही है, फिर क्लच को दबा लो, ठीक है। अगर आपसे कंट्रोल नहीं होती है तो आप करके और क्लच को फिर प्रेस कर लो, ब्रेक दबा लो, फिर धीरे धीरे क्लच रिलीज करो। अब देखो यहाँ से है ना आपको गेट दिख रहा होगा, अब यहाँ से ORVM भी देखते रहना आपको और IRVM भी, ठीक है। ये मैं निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है, और चढ़ाना भी सिखा दूँगा तो वो भी देख लेना। अब देखो मुझे पता है कि मेरा जो टायर है इसमें, देखो छोटे वाले में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एग्जैक्टली मैं टायर देख सकता हूँ। अब यहाँ से मैं हल्का सा काटना शुरू करूँगा लेफ्ट में, क्योंकि मुझे राइट में बाहर निकलना है, यानी कि लेफ्ट में मुझे जाना है। यहाँ पर लेफ्ट में मैं जा रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे मैं रिलीज़ कर रहा हूँ क्लच और एक्सीलेटर, तो मैं प्रेस कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैं प्रेस कर दूंगा ऐसे। अब देखो अब जैसे ही मैं क्लच, अब मुझे रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही मैं ब्रेक रिलीज़ करूँगा गाड़ी अपने आप पीछे जाएगी, क्योंकि स्लोप पर है। लेफ्ट साइड से अगर आपको जजमेंट नहीं हो पा रहा है, हल्का सा सीधा कर लेना। तो अभी नीचे है, पीछे हॉर्न बजाते रहें, ठीक है, ताकि कोई पीछे ना आए। आपको पीछे मुड़ के देखना कोई है या नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो गाड़ी बाहर निकल गई है, और लेफ्ट से ज़रूर ध्यान रखना। ये देखो लेफ्ट में टीन है, धीरे धीरे रिलीज करते रहो एंड आपकी गाड़ी सेफली निकल चुकी है, पीछे से भी कहीं नहीं टकरा रही, ठीक है। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि भैया इसको हम अंदर कैसे करने हैं। अंदर करने के लिए ना मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। पहले रिवर्स कर लो गाड़ी को, पहले आप कोशिश करो, जैसे आपको राइट में गाड़ी को चढ़ाना है, ठीक है, तो आप कोशिश करो लेफ्ट में दबा लो, ठीक है। यहाँ से अगर आप जितना ही लेफ्ट में दबाओगे ना, लेफ्ट में दबा लिया, ठीक है। अब बेस लाइन देखो, ये आपका वाइपर का पॉइंट है, अभी थोड़ा सा और आगे हम चल सकते हैं, बस इतना, इससे ज़्यादा मत जाना। ये लाइन जो गेट की स्टार्टिंग लाइन है ऑलमोस्ट मैच हो रही है, हल्का सा और आगे चले जाओ। अब यहाँ से आपको क्या करना है, पूरा स्टेयरिंग राइट में काटना है, काट दिया। अब यहाँ पे आपको क्लच कंट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, स्लोप पे मैं इतनी वीडियोस में सिखा चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे चलने दो, या तो मोमेंटम में चलने दो या ब्रेक लगा के भी चला सकते हो। गाड़ी इजीली अंदर चढ़ चुकी है, आपने देखा बिल्कुल एक्यूरेटली गाड़ी लग चुकी है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे आपको गाड़ी चढ़ानी है और रिलीज बाहर निकालनी है, ठीक है। तो भाई ये थी आज की वीडियो, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो थम्स अप कर देना, एक लाइक कर देना, और न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आती रहती हैं जो कि आपकी ड्राइविंग को इम्प्रूव करती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।